डिफॉल्ट नेगेटिव थॉट्स से मत जियो, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। नकारात्मक विचार जो है, आप कोई भी अखबार आज खोल लो, आज का कोई भी अखबार खोलो आप, और कोई भी भाषा का खोल लो, और आज का नहीं, पिछले 5 साल के 10 साल के कोई भी अखबार खोल लो आप, पहला पन्ना खोलो, आखिरी का पन्ना खोलो, बीच का पन्ना खोलो, कोई भी पन्ना खोलो और देखो कितनी सारी निगेटिव खबरें वहाँ छपी हुई है। यहाँ आग लग गई, यहाँ अत्याचार हुआ, यहाँ खून हो गया, यहाँ चोरी हो गई, बैंक के ऊपर दरोड़ा हो गया, इसने उसको मारा, ये फरार हो गया, पूरा ऐसा निगेटिविटी भरी हुई है। सिर्फ अखबारों में नहीं, टीवी के ऊपर सभी निगेटिव चैनल्स मतलब आपको दिखेंगे। मैंने सुना था ऐसा कि एक चैनल पॉजिटिव चैनल चालू किया था कि उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही बताएंगे, पॉजिटिव न्यूज़ ही बताएंगे, तो कुछ दिन के बाद में वो चैनल बंद करना पड़ा क्योंकि लोगों को पॉजिटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो चैनल चला ही नहीं, उसको ऐड भी नहीं ली नहीं और लोग देखते भी नहीं थे उसमें। लोगों को निगेटिव देखने में बहुत मज़ा आता है, इधर खून, इधर अत्याचार, इधर बलात्कार है ना, इधर एक्सीडेंट हो गया, इधर चोरी पकड़ी गई, इधर शराब पी के अत्याचार किया, मतलब इसमें लोगों को मज़ा आती है। अभी देखिए, सिर्फ अखबार, टीवी या ये चीज़ें नहीं, हमारे आसपास के लोग जो है, जब हम बड़े होते हैं, आसपास के लोग भी हमारे दिमाग के ऊपर कितनी निगेटिविटी डालते रहते हैं, और वो निगेटिविटी डालने के बाद में तुम अच्छे नहीं हो, तुम गधे हो, तुमको अक्कल नहीं है, तुम चीज़ें सीखते नहीं हो, कितना टाइम लगाते हो कोई भी काम करने के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हारा भविष्य कुछ ठीक नहीं है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके जरिए तुमको मिलेगा, मुझे लगता नहीं कि आसानी से तुमको मिलने वाला है, मार्केट बहुत टाइट है, लोग कोऑपरेटिव नहीं है, लोग अपने को सपोर्ट नहीं करते, लोग जो है वो आपके खिलाफ रहते हैं, मतलब इस तरह की निगेटिव बातें हमारे आजू बाजू के लोग बार 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 डालते रहे, और आपका अंतर्मन जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो स्वीकार कर लेता है और वहाँ से आप बनते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि वो जो लोग हैं, वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा आप बन गए। अच्छा, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो आपको डराते हैं, आपको डर बताते हैं, उधर मत जाओ, वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, ये मत कर, वहाँ शॉक बैठेगा, उधर मत जाओ, वहाँ से गिर जाएगा, ये ऐसा मत कर, ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि उनको डर लगता है खुद को, नंबर एक, या उनको वो चाहते कि भाई इसमें कुछ किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तकलीफ अपने को होगी, मतलब वो चाहते कि उनका लाइफ ठीक हो, इसलिए वो आपको डर बताते रहते हैं और आपको कुछ करने देते नहीं है। इसमें होता क्या है कि फिर आप डरे हुए इंसान तैयार हो जाते हो। अभी इससे बचना है तो आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो डर मेरे मन में है, ये जो टेंशन मेरे मन में है, कुछ नया करना है तो नया करने के लिए मेरी इच्छा होती नहीं है, मुझे असफलता का डर लगता है, फियर ऑफ फेलियर है, या लोग क्या बोलेंगे ऐसा लगता है, लोग मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे, लोग ऐसे होंगे ऐसा लगता है, तो फिर आपको इसको सजग होना पड़ेगा, आपको इसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो भी ये है, ये मैंने अक्वायर किया हुआ है, ये कोई विरासत में मुझे मिला नहीं है, मेरे आसपास के लोगों ने दिमाग में डाला हुआ है और वो उनके फायदे के लिए डाला हुआ है, मेरे फायदे के लिए नहीं है। तो वो यदि आप एक्नॉलेज करते हो और वहाँ फिर आप चुनाव करते हो कि अभी मैंने कैसा जीने का है, क्या ये डर से जीने का है, क्या निगेटिविटी से जीने का है, या फिर अभी जो भी मेरे अंतर मन में वो बाहर निकाल के, उसको बाहर निकाल के, उसको बाहर फेंक के, अंदर सकारात्मक विचार डाल के क्या मैं जी सकता हूँ? चुनाव आपका है, सकारात्मक विचार डालना है, निगेटिविटी निकालने का है, तो जैसा मैंने बताया, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर हैमरिंग करना पड़ेगा, बार 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 अच्छी सोच, सकारात्मक सोच डालनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए आप सेल्फ हिप्नोसिस सीख सकते हो, हेट्रो हिप्नोटिज्म सीख सकते हो, हमारे यहाँ हेट्रो हिप्नोटिज्म के या हिप्नोटिज्म के क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग हम करते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट देते रहते हैं। आपको यदि कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स है तो आप कभी भी ट्रीटमेंट हमारे से ले सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं, वहाँ संपर्क करके ऑनलाइन भी कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। हेट्रो हिप्नोटिज्म या सेल्फ हिप्नोटिज्म, हिप्नो काउंसिलिंग, हिप्नो एनालिसिस, हिप्नो थिंकिंग, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, इसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।